तो भाई द ट्राइबल चीफ रोमन रेंज जब से कोडी रोड्स को हरा के रेसलमेनिया 39 में अपने अनडिसिप्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप को रिटेन किया है, तब से एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क ये बन गया है कि रोमन रेंज का नेक्स्ट अपोनेंट कौन होने वाला है जो कि रोमन रेंज को बैकलैश या समर स्लैम में फेस करेगा। आखिर में कौन होगा रोमन रेंज का चैलेंजर जो कि रोमन रेंज के सामने खड़ा होगा बैकलैश या समर स्लैम में? तो भाई अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट, अकॉर्डिंग टू बेटिंग ऑड्स एंड अकॉर्डिंग टू रूमर्स, भाई रोमन रेंज का नेक्स्ट अपोनेंट कोडी रोड्स नहीं होने वाले हैं, ना कि ब्रॉक लेसनर होने वाले हैं। भाई रोमन रेंज का नेक्स्ट अपोनेंट उनके ही द ब्लड लाइन के मेंबर होने वाले हैं, जो कि आप सुन के थोड़ा सा भाई शॉक हो जाएंगे। वो सुपरस्टार बहुत ही मैसिव सुपरस्टार है, और भाई हम बात करने वाले हैं द ब्लड लाइन के ही मेंबर जो कि रोमन रेंज को फेस करेंगे बैकलैश एंड देन भाई समर स्लैम में भी। तो भाई इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, चैनल पर है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग WWE से रिलेटेड वीडियो आती रहती हैं। एंड देन भाई प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि आप भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग WWE से रिलेटेड अपडेट्स एंड न्यूज रूमर्स सारा मिस कर देंगे अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो। तो भाई आपको बता दूं WWE के द ब्लड लाइन के करंट स्टोरी को देखा जाए तो भाई ऐसा समझ में भी आ रहा है कि रोमन रेंज का फ्यूचर जो होने वाला है वो द ब्लड लाइन में ही होने वाला है। एंड देन भाई द ब्लड लाइन के ही मेंबर रोमन रेंज के ऊपर अटैक या रोमन रेंज से फाइट करने वाले हैं, क्योंकि भाई जिस तरह से रोमन रेंज का हेल्प जे उसो एंड जिमी उसो ने रेसलमेनिया में किया था, उसके बाद से भाई रॉ में हम देखें कि किस तरह से भाई रोमन रेंज इन दोनों ही सुपरस्टार को निग्लेक्ट करते हैं, इन दोनों ही सुपरस्टार से नहीं मिलते हैं। तो भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग WWE स्टोरी दिखा रही है हमें द ब्लड लाइन के बीच, क्योंकि भाई अब धीरे धीरे बहुत ही स्लो पेस पे द ब्लड लाइन का स्टोरी हमें WWE दिखाती है। एंड देन भाई अब जाके समझ में आ रहा है कि जे उसो एंड जिमी उसो भाई रोमन रेंज के अगेंस्ट जा सकते हैं, क्योंकि भाई रोमन रेंज का उन्होंने हेल्प किया है रेसलमेनिया में, लेकिन भाई रोमन रेंज जीतने के बाद उन दोनों ही सुपरस्टार को भूल गए कि वो दोनों ही सुपरस्टार लिए क्या किए थे रेसलमेनिया 39 में जब रोमन रेंज हारने वाले थे, तभी भाई जे उसो एंड जिमी उसो आके रोमन रेंज को सेव किए थे। एंड देन भाई रोमन रेंज अपने टाइटल को तब ही बचा पाए थे जे उसो एंड जिमी उसो एंड सोलो सिकोवा के मदद से, लेकिन भाई सोलो सिकोवा के साथ रोमन रेंज रह रहे हैं। लेकिन भाई आपको बता दूं जे उसो एंड जिमी उसो नहीं रोमन रेंज के ऊपर अटैक करने वाले हैं, भाई टर्न करेंगे आपके द प्राइज फाइटर सोलो सिकोवा ही रोमन रेंज के ऊपर, क्योंकि भाई WWE बहुत ही हिडन रख रही है सोलो सिकोवा को। एंड देन भाई ऐसा कुछ रूमर्स का कहना है कि सोलो सिकोवा एंड रोमन रेंज का आपको मैच समर स्लैम में देखने को मिल सकता है, क्योंकि भाई WWE द प्राइज फाइटर सोलो सिकोवा को बहुत ही हिडन रख रही है। एंड देन भाई सोलो सिकोवा एंड रोमन रेंज का एक मेगा मैच करवाएगी WWE जो कि समर पार्टी के इवेंट में समर स्लैम में करवाएगी, क्योंकि भाई समर स्लैम WWE के नजरिए से एंड देन भाई फैंस के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही बड़ा शो होता है। एंड देन भाई इस मैच इस शो में WWE रोमन रेंज एंड सोलो सिकोवा का मैच करवाएगी तो WWE को भी प्रॉफिट होगा। एंड देन भाई सोलो सिकोवा उस तरह से बिल्ड हो चुके हैं कि अब रोमन रेंज को फेस कर लें, क्योंकि भाई रोमन रेंज ने ही कहा था एक जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेसलमेनिया के बाद, अभी द ब्लड लाइन के अंदर बहुत कुछ देखना बाकी है। एंड देन भाई अब आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलेंगी जो कि द ब्लड लाइन के अंदर हो सकती हैं। भाई ऐसा कुछ रूमर्स का कहना कि सोलो सिकोवा रोमन रेंज के सामने आ सकते हैं समर स्लैम में, लेकिन उसके पहले भाई आपको जे उसो एंड जिमी उसो भी रोमन रेंज के अगेंस्ट जाते हुए नजर आने वाले। तो भाई आप किससे मैच रोमन रेंज का देखना चाहेंगे, सोलो सिकोवा या जे उसो या जिमी उसो के साथ? भाई कौन सा सुपरस्टार इन तीनों में से आप पिक करेंगे जो कि रोमन रेंज के अगेंस्ट हो समर स्लैम या बैकलैश में? भाई कमेंट में जरूर बताइएगा अपना ओपिनियन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।